ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस वीडियो का टाइटल सुनने लेके तो आप समझेंगे वीडियो जो हमारी किस टॉपिक पर होने वाली है। सो गाइस इस वीडियो में जितने बैड एंड पिन जिसका यूज करूंगा सभी के लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइस आप सिंपली वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस मैंने कुछ बैड एंड पिन बनाए, एंड गाइस अगर आपको मतलब कि थोड़ा मतलब कंफ्यूजन लगेगा बट गाइस आप वीडियो कंप्लीट देखना, मैं इसमें सबको डिटेल से समझा रखा है। ठीक है गाइस, तो कहीं आप वीडियो को देख स्टार्टिंग में देख के कहीं छोड़ के मत भाग जाना, मतलब वीडियो को देखना ध्यान से। एंड मैं सबको सारा मतलब सब कुछ आपको समझा रखा है क्योंकि यार वीडियो मैंने बनाई है तो मैं समझाऊंगा अभी मैं ही, तो दिक्कत की बात नहीं। वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखना। एंड गाइस जब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि यार हम 2000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइस मैं आप सभी के लिए न्यू न्यू ट्यूटोरियल एंड गाइस जो भी है मैं आप सभी के लिए सब कुछ लेकर आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस आप मेरे को चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आपको मेरे साइड में दिख ही रहा होगा। अगर आपको मेरी प्रोफाइल अच्छी लगे तो फॉलो जरूर करना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए आप सभी को पहले करना है, गाइस देखिए बैकग्राउंड है गाइस, ठीक है आप डरिए मत, आप कहीं सोच रहे होंगे यार इसके पीछे तो गिरवाइए फोटो, तो गाइस मैं सारा सब कुछ बताऊंगा आप सभी को। ठीक है तो पहले गाइस आप सभी को ना अपने जो फोटो लगानी ना पीछे उसका स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस कुछ इस टाइप में आप सभी को। ठीक है स्क्रीनशॉट लेने के बाद गाइस आप सभी को करना है कि आपको इसकी पहले ओपेसिटी को गाइस पहले यहाँ पे जाकर ओपेसिटी को कम कर लो पहले इसकी गाइस। ठीक है फिर ओपेसिटी को कम करने के बाद गाइस आप सभी को इसको मैच करना है गाइस पीछे ना आपको इसकी तोकिर भाई की प्रोफाइल से लगाना है एंड ऐड करना सिंपली इस तरीके से। ठीक है कि जहाँ पे गाइस आपका और गाइस फोटो वाली लेना जो कि गाइस आपका पीछे लोकेशन ना डालो। ठीक है तो उसको लेने के बाद गाइस आप सभी को रेजर टूल में जाके ऐसे गाइस पेंट कर रहा हूँ जैसे गाइस मैं आप सबको ऐसे पेंट कर लेना है। ठीक है तो आप देख लेना। एंड गाइस ज़्यादा ध्यान रखना कि गाइस आप ना पीछे कोई लोकेशन ना डाली हो अपने उस फोटो का स्क्रीनशॉट लेना तो ही गाइस ये आपका नाम के पास आ पाएगा क्योंकि तोकिर भाई ने लोकेशन नहीं डाल रखी है तो इसलिए वो फोटो में ऐसा कि पूरा फिक्स हो गया है। ठीक है तो आप सभी को करना है एंड उसका जाना गाइस आप सभी को टूल्स में और फोटो की ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। ठीक है एंड रेजर टूल में जाना इसको इन्वर्ट कर देना है, ब्रशेज में जाना गाइस। ठीक है एंड उसके बाद गाइस आप सभी को ना अपनी जो फोटो लगाई है उसके ऊपर ऐसे पेंट करना गाइस आप सभी को पूरी फोटो पे इस तरीके से पेंट कर लेना है। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को डन कर देना है। एंड गाइस उसके बाद जाना आप सभी को गाइस अगेन ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है, मॉडल का पिंज लेने के बाद गाइस आप सभी को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद गाइस आप सभी को अपने मॉडल को इस तरीके से यहाँ पे लगा लेना है फोटो के पास। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को सिंपली इस तरीके से ऐड कर लेना जैसे मतलब गाइस आप जैसा पोज भी हो आपका। एंड उसके बाद उसका डन कर देना गाइस। उसके बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, टूल्स में जाना है, एडजस्ट में जाना है, इसके बाद ब्राइटनेस बढ़ा देनी फोटो की एंड जाना है यहाँ पे इरेजर टूल में इन्वर्ट कर देना है एंड ब्रश में जाना है। ठीक है इसकी हार्डनेस को आपको थोड़ी सी कम रखना है, साइज़ को थोड़ा छोटा करना है एंड इसे जूम करके आपको अपनी फोटो के पास आपके मतलब पूरी बॉडी के ऊपर इस तरीके से पेंट करना गाइस। ठीक है जो कि आपके पीछे जो मतलब गाइस वाइट हमने अभी पेंट किया था ना पीछे बैकग्राउंड में गाइस उसका रिफ्लेक्शन आया हमारे ऊपर तो इसलिए हम इसको यहाँ पे पेंट करेंगे। एंड गाइस ध्यान रखना जो आपके नीचे जो आपने पीछे पोस्ट लगाई ना गाइस सिर्फ वहीं तक करना, पूरे पैरों तक मत ले जाना, जहाँ तक आपकी फ़ोटो आपके वहाँ तक मॉडल तक आए वहीं तक करना है सभी को पेंट। ठीक है गाइस तो अब मैं कर लेना। गाइस अब लेके चलते हैं हम इस फोटो को हम लाइटरूम ऐप के अंदर एंड इसमें थोड़ी शेडो बनानी है मैं तो वहाँ पे शेडो बनाएंगे। तो गाइस ब्रशेस में जाके गाइस आपको ओपेसिटी 10 से 8 तक रखनी है एंड जूम करके आप सभी को इस तरीके से यहाँ पे पेंट करना है एंड शेडो बनानी है। ठीक है सो शेडो बना लेते हैं एंड जो कलर करेक्शन होगी जो भी हमारी वो लाइटरूम ऐप के अंदर होती है तो उसे हम लाइटरूम ऐप में ही करेंगे एंड यहाँ से 3 डॉट्स पर क्लिक करके फोटो करते हैं सेव एंड चलते हैं बैक। ओके गाइस सो गाइस अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि यार हमारे 2000 सब्सक्राइबर होने ही वाले थे यार, 2000 कराई दो यार है ना, शेयर वेयर करते करो अपने दोस्तों के साथ। तो फिर यहाँ से फोटो को ऐड करते हैं एंड ऐड करने के बाद गाइस चलते हैं ऑल में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपने फोटो को ओपन करना है जो आपने ऐड करा है, उसको ओपन करने के बाद गाइस आप सभी को लाइट्स में जाना है नीचे एंड कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ाना है, शेडो को थोड़ा कम करना है एंड ब्लैक को भी थोड़ा कम करना है। जाने गाइस नीचे वाले टूल में वाइब्रेशन को बढ़ा देना है एंड मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर को थोड़ा वॉइस सैचुरेशन कम करना है एंड जाना नीचे वाले टूल में क्लियरिटी को बढ़ा देना है, थोड़े विग्नेट डालना है आपको एंड ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है एंड नीचे वाले टूल में जाना है फोटो की शार्पनेस को बढ़ा देना है एंड नॉइज़ रिडक्शन को भी बढ़ा देना है एंड कलर रिडक्शन भी बढ़ा देना है। आई होप कि गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।